वेल, जनक ने यहाँ पर अपना स्पीच दिया, ख़त्म किया, शुक्रिया किया। इसके साथ ही कुमार सानू ने विनर की ट्रॉफी अर्शी को दी और अर्शी की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि वो इसकी हकदार थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जो उन्हें ट्रॉफ़ी मिली। बट यहाँ पर अर्शी काफ़ी एरोगेंट और बहुत घमंड में नज़र आई कि हाँ वो ट्रॉफ़ी उनकी ही थी। और यहाँ पर अर्शी ने ये कहा कि वो इस जीत को बहुत बड़ी जीत नहीं मानती हैं क्योंकि उन्होंने इस गेम में शुरू से पार्टिसिपेट नहीं किया, बीच में से उन्हें बुलाया गया कि इसमें पार्टिसिपेट किए, रिक्वेस्ट किया गया तब जाकर वो आई, वरना वो नहीं आती। जिस वजह से अर्शी का कहना है कि इस जीत को बड़ी इसलिए नहीं मानती क्योंकि उन्होंने ना वो प्रैक्टिस की, ना फर्स्ट एपिसोड से आई, लास्ट में आके अगर जीत मिल गई तो कोई बड़ी जीत नहीं थी। अर्शी ने यह भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। साथ ही अर्शी ने यहाँ पर झनक को नीचा भी दिखाया कि हाँ इस ट्रॉफ़ी की सिर्फ मैं ही हकदार थी और कोई और इस ट्रॉफ़ी को नहीं ले जा सकता है। बट यहाँ पर अर्शी का ये घमंड भरा रवैया देखकर काफ़ी कुमार सानू को भी बुरा लगा और झनक को भी बुरा लगा। यहाँ पर अर्शी ने स्टेज पे अनिरुद्ध को बुलाया और कहा कि ये ट्रॉफी मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ, अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध भी स्टेज पर आ जाते हैं, कुमार सानू से मिलते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है। बट यहाँ पर जब सभी कुमार सानू से मीट एंड ग्रीट कर रहे होते हैं, झनक वहाँ से चुपचाप निकल जाती है अपनी ट्रॉफी को लेकर। पर झनक को ऐसे जाते हुए देखकर आदित्य कपूर को अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से वो भी उनके पीछे पीछे गए ये पता करने कि आखिर हुआ क्या है। वेल, आप देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अर्शी का ये जो घमंड है कभी झनक तोड़ पाएंगी, आखिर क्या वजह थी जो उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और यहाँ तक पहुँच पाई। वैसे आपको क्या लगता है इन सब में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसी तरह की अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेली खजाना।